आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं VVM माइक्रो प्रोग्रामिंग, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है हमारा सिलेक्शन की, डेटा सिलेक्शन। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि रेंज को कैसे डिनोट करते हैं, कि रेंज कैसे लेते हैं, और आज हम बात करेंगे कि रेंज को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अगर कोई रेंज आपको मिले तो आप उसको सिलेक्ट कैसे कीजिएगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। सर, ये रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हो, परसों वाली और जैसे आज की भी होती है? आज डाल दूंगा सर, परसों का भी सर एडिट करा हुआ है। एक्चुअली कह रहा हूँ, फिर मोबाइल पे देख के थोड़ा ना रिवीजन हो जाता है, वरना मेरे ऑफिस लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग चलती नहीं है। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। तो अभी जो है ये जो सेशन आपको दिख रहा है, ये जो डेटा दिख रहा है, इसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे VVA के थ्रू, आज मैं यही आपको पढ़ाने वाला हूँ। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कुछ भी करने के लिए डेटा सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। विदाउट डेटा सिलेक्शन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और डेटा सिलेक्शन में डायनेमिक डेटा सिलेक्शन, कि आपका डेटा कलेक्ट रेट में बढ़े घटे तो अपने आप आपका माइक्रो इंक्रीज कर ले, डिक्रीज करे सिलेक्शन को। अगर हम नॉर्मल सिलेक्शन की बात करें, जैसे कि हमको अगर किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है, तो आपको बताया था कि हम A1 डॉट सिलेक्ट कर देते हैं, एक पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट हो जाता है। बट एक एरिया को सिलेक्ट करने के लिए, तो जैसे कि कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला अप्लाई करते समय जो रेंज पड़ता है, जैसे A1 से I23 पड़ा, तो VVA में भी हमारा A1 से I23 हम लिख देंगे तो डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये मैनुअल सिलेक्शन हुआ, मतलब कि एक्सेल के मेथड पे, मैनुअल मेथड पे। अगर हम VVA मेथड की बात करें, तो VVA मेथड क्या यूज कर रहा है, जैसे मैंने आपको जब एक्सेल आपने शुरू किया था, मैंने बताया था आपको कि हम माउस से सिलेक्शन करते हैं, स्टार्टिंग में शिफ्ट को क्लिक करते हैं और लास्ट को सिलेक्ट क्लिक कर देते हैं, तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। मतलब कि एक पॉइंट पे क्लिक कर्सर रखें, शिफ्ट दबा के दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। तो सेम मेथड हमारा VVA का भी होता है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग मेथड डाला कॉमा और एंडिंग मेथड डाला कॉमा डॉट सिलेक्ट। आप बोलेंगे सर ये तो थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन ये डायनेमिक होने के लिए इसकी जरूरत है, समझे? डायनेमिक करने के लिए जरूरत है। अब कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल सेल सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल प्रेस करके, इस तरह से मल्टीपल सेल। तो अगर आपको VVA मल्टीपल सेल करना हो, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, आप दोनों में कंपेयर, ये बताने की जरूरत है, दोनों में कंपेयर करें, क्योंकि भी कंफ्यूज। A1 को कॉपी करना है, C1 को कॉपी करना है, F1 को कॉपी सिलेक्ट करना है, सॉरी कॉपी नहीं सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट होगा तभी तो कॉपी होगा। अब यहां पे देखिए, हमने स्टार्टिंग पोजीशन इन्वर्टर कॉमा में लिया, कॉमा दिया और इन्वर्टर कॉमा में एंडिंग को डाला है। बट मल्टी सेल सिलेक्शन में इन्वर्टर कॉमा के अंदर ही आप अपने मल्टीपल सेल्स को इस तरह के कॉमा में डालेंगे, तो आप कंट्रोल प्रेस करके जो 1x1 सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन कर देगा। क्लियर है सर? हाँ जी। अब बात आती है कि हम लोग कंट्रोल ए कर देते हैं ना, इस तरह से कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए यहां पे हम करते हैं रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि कंट्रोल ए क्या करता है, होम में जाता है, फाइंड एंड सिलेक्ट में जाता है, गो टू स्पेशल, और यहां पे करेंट रीजन को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, क्लियर सर? तो ये चीज करता है। अब बात करते हैं कर्सर मूव करने की। जैसे मुझे यहां कर्सर है, एंड से हम सबसे लास्ट में आना चाहते हैं, या फिर राइट में जाना चाहते हैं, अप में जाना चाहते हैं, जो हम कंट्रोल प्रेस करके एरो की को मूव करते हैं तो कर्सर मूव होता है ना, उस तरह की मूवमेंट कैसे करेंगे? तो मैंने रेंज A1 डॉट एंड। अब आपको किस में मूव करना है, एक्सेल डाउन में, एक्सेल अप में, टू राइट में, कहां करना है आपको? तो मैंने बोला मुझे डाउन में करना है, हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट कर लिया। लेकिन बात हो कि सबसे
उस केस में अगर बीच में ब्लैंक हुआ तो ये कोड आपका सबसे लास्ट में नहीं पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा 63 पे, ब्लैंक से ऊपर। तो सबसे लास्ट में जाने का सटीक तरीका क्या है, क्योंकि मैं हमेशा यूज करता हूं, मेरे बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा a65000.andxlsup.select। तो ये क्या करेगा, यहां a65000 पे पहले कर्सर को रखेगा और यहां से एक्सल कंट्रोल प्रेस करके एक्सलेस अप, मतलब कि अप एरो को यूज करेगा और सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। तो ये लाइन समझ में आया आप लोगों को? जी सर। इसी में कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे नेक्स्ट ब्लैंक में चाहिए, मतलब लास्ट के जो अगली ब्लैंक सेल है उस पे कर्सर ले जाना है, तो सब कुछ सेम होता है, पर सिलेक्ट के जगह पे हम ऑफसेट लगा देते हैं, ऑफसेट रो एंड कॉलम 1,0, एक कॉलम एंड 0 रो सिलेक्ट, तब क्या होगा कि यहां पे आएगा और यहां से एक रो नीचे जाएगा, ये रो है, प्लस में है तो आगे की तरफ बढ़ेगा, माइनस में है तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। सेम कॉलन में आपका जीरो है, अगर 1,2,3 होता तो उतना कॉलन आगे बढ़ता, माइनस में होता तो पीछे आता। तो मैंने बताया था शिवम जी समी, इसमें जब मैं ऑफसेट पर आया था कि ऑफसेट आपका वीवीए तक पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ जी सर, वो तो ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्ट करने के लिए ऑफसेट है ही जरूरी। ऑफसेट यहाँ आप ईवीए में ऑफसेट का काम समझ में आ गया ना आपको? अब सर इसमें ये है कि पहले 65,000 पे जाएगा, फिर उससे ऊपर जाएगा जहां तक वैल्यूज है, फिर ऑफसेट लगाया है, एक रो नीचे आ जाएगा सेम कॉलम पे। जी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 65,000 ही क्यों लिया आपने? देखिए आप अपने 10,00,000 भी है, 10,00,000 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 65,000 से लेता हूँ ताकि आपके ये माइक्रो है ना, ये आपका एक्सलेस एक्स की फाइल पे भी चल जाए, एक्सलेस फाइल पे भी चल जाए, मतलब कि पुराने वर्जन पे भी चल जाए और नए वर्जन पे भी चल जाए, क्योंकि पुराने वर्जन पे 65,000 डेटा है, 65,000 समथिंग है, कुछ 100 है, समझ गए सर? इसलिए मैं एक्चुअली राउंड फिगर 65,000 लेता हूँ ताकि किस पे चल जाए। आपका डेटा अगर 65,000 से ज्यादा हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा डेटा 5-10,00,000 जा सकता है, तो आप हाइएस्ट 10,00,000 ले लीजिए। क्लियर है? अब बात करते हैं कि मुझे यहां से मतलब कि यहां से इसको सिलेक्टेड कर सिलेक्शन करके लाना है, इस तरह से ये हम लोग करते हैं ना, कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस किया, राइट एरो एंड डाउन एरो कर दिया, तो ये चीज कैसे करेंगे? तो हमने बोला था कि डायनेमिक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर रेंज i3, अब मुझे i3 पता नहीं है, i23 बाद में बात करते हैं, मुझे यहाँ पे i1 पे जाना है, बट i1 पता नहीं है, यहाँ पे i1 होना चाहिए था सर, बट ठीक से नहीं कि i1 होगा, हम चाहते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट एंड पे जाएं, वो कर्सर ले, तो हम ये जो मेथड है इसी मेथड को ले लेंगे, यहाँ देखिए इस मेथड को उठा लेंगे, यहाँ पे पेश कर देंगे, तो दो कोड को यहाँ पे हमने मिक्सअप किया और एक्सल एफ की जगह पे हम क्या करेंगे, एक्सल टू लेफ्ट। और फिर नीचे देंगे कि सिलेक्शन से सिलेक्शन डॉट एंड एक्सल अप और डाउन, डाउन डी ओ डब्ल्यू एन डाउन डॉट, मतलब सबसे पहला क्या करेगा, यहां ऊपर सेलेक्ट कर लेगा। अब यहां पे मैंने निचला कोड दिया कि सिलेक्शन से जो सिलेक्टेड है उसी को नीचे ले गया, तो नीचे लेके इस तरह से आ जाएगा, तो कंट्रोल सिर्फ इस तरह से आ जाएगा। अब कुछ वो बोलते हैं कि सर हमारे पास ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के लिए करेंट रीजन का कमांड जब है ही, तो फिर मैं ये दो लाइन क्यों लिखूं? ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के फालतू लिखे रहते हैं, जब करेंट रीजन करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाता है, तो हमें नहीं ऊपर का जितना डेटा हेडिंग में है उतना ही लेना है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ भी ब्लैंक है और यहाँ भी ब्लैंक है, तो अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा, इतना ही वर्क करेगा। कैसे करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, एक लेते हैं r, r इक्वल टू हम देते हैं रेंज a,
ये जो आपका दिख रहा है ना वाली, ये वाला कोड लेंगे कि आर इक्वल टू, और यहाँ पे डॉट सेलेक्ट के जगह पे यहाँ हम रो ले लेंगे, मतलब कि जो कर्सर यहाँ आएगा लास्ट में 23, इस 23 को यहाँ पे रन कर देगा। और उसी तरह से हम देते हैं सी, और यहाँ देंगे रेंज एक्स एफ डी वन डॉट एंड एक्सल टू राइट डॉट कॉलम। एक्स एफ डी वन क्यों, क्योंकि जब लास्ट में आप जाते हैं ना इस लास्ट में, तो इसका एक्स एफ डी है, तो एक्स एफ डी वन से राइट की तरफ आएगा तो कर्सर यहां रुकिएगा। इसका जो कॉलम नंबर, अब यह आई को स्टोर नहीं करेगा, काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कॉलम का फॉर्मूला जो वर्क करता है वो कॉलम नंबर सी पे डाल देगा। तो अब मेरे पास रो नंबर है और कॉलम नंबर है, तो अब मुझे पता है कि मेरा डेटा का स्टार्टिंग पॉइंट जो है ए वन है, अब एंडिंग पॉइंट जो है हमारा नंबर में है, मतलब कि 9 नंबर कॉलम एंड 23 नंबर रो। अब यहां पे कैसे लिखेंगे उसको शुभम जी? हाँ जी सर, क्या लगाएंगे सी? सी नहीं, सेल, सेल सेल्स जो है वो ए वन बी वन, बताया था ना कि ए वन बी वन को 1.1 2 1.2 लेता है, आर कॉमा सी डॉट स्लैश, जैसे आप यहां हमें बताया था लास्ट क्लास में कि रेंज जो है आपका कि रेंज ए वन डॉट सेलेक्ट करते हैं, तो उसके जगह पे हम यहां लिख सकते हैं सेल्स 1.1 डॉट सेलेक्ट रो एंड कॉलन। तो आर रो है और सी पे कॉलन है, तो हम यहाँ पे आर को मासी में स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा ए वन है और एंडिंग पोजीशन सेल दे देगा। यहां भी हमने दो कोड का मिक्सअप कर दिया, मतलब कि डेटा को सिलेक्ट करने के लिए क्या तरीका है। पहली तरीका है कि आपके पास रेंज पता है तो इस मेथड पे डाल दे या इस मेथड पे डाल दे, ए वीवीए का मेथड है, ए एक्सेल का मेथड, मैनुअल पता है तो आपको कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट करना है तो इसका यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आपको एक मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन लेना है तो इसका मेथड ले लें, लेकिन ब्लैंक हो तो ये वर्क नहीं करेगा, तो उस केस में हम रो नंबर निकाल लेंगे और लास्ट कॉलम नंबर निकाल लेंगे, लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम। स्टार्टिंग तो मैनुअली ए वन होता है, पता ही होता है, एंडिंग के लिए आपका सेल्स ले लेंगे। ये आपका डायनेमिक सिलेक्शन है। अब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, क्योंकि इसमें क्या का जो कंसेप्ट है वो आपको हर एक मैक्रो में यूज होगा, मतलब कि 95% से ऊपर माइक्रोज में इसका इस्तेमाल किया जाता है सर। जितने को लाइन ऑफ कोड हम लिख के दिए है ना, 95% कोड में इसका इस्तेमाल किसी न किसी जगह पे होगा ही होगा। हो सकता है कि 100% पे हो, लेकिन 100% का ना ठीक नहीं है, मैं 95% लेके चलता हूं। सर ये रेंज सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन वाला कोड थोड़ा एक बार फिर से बताइए, वो क्या कर रहा है? कौन सा ए बोल रहे हैं आप? रेंज सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एल एंड, हाँ तो क्या हुआ कि इस डाउन डाउन वाला, ये दो लाइनों का मिक्सअप है, ठीक है ना? अच्छा, दो लाइन इकट्ठे चलता है, तो जो पहला ऊपर वाला लाइन है वो क्या कर रहा है कि रेंज से लेके लेफ्ट में चला जा रहा है, यहाँ चला रहा है, ठीक है जी, यहाँ वैल्यू होगा इसलिए डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। अब मुझे इसको इसी को नीचे की तरफ करना है, तो अगर मैं ए वन डॉट तो फिर ए वन को लेके आएगा ना सर? जी 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 करेक्ट। सिलेक्टेड को लेके नीचे आना है, तो हमने बोला कि डेटा का स्टार्टिंग पोजीशन सिलेक्शन है, एंडिंग पोजीशन सिलेक्शन से एंड बटन दबाओ, अच्छा वो है, हाँ ओके समझ गए जी सर। चलिए, नो डाउट जी सर।